तो आइए दोस्तों, आज बोट रॉकर्स 110 इनकी तरफ से नए नेकबैंड का उद्घाटन किया जाए। पहले उद्घाटन करेंगे अनबॉक्सिंग करके, फिर दम के कुटाई करेंगे हैवी टेस्टिंग करके। चलिए, तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के। आज हम लोग बिल्कुल बढ़िया तरीके से रिव्यू करने वाले हैं बोट रॉकर्स 110 नेकबैंड को। इसका प्राइसिंग है 1300 रुपए के आसपास। मैंने पर्सनली इनको ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज किया हुआ है, वहां पे कुछ ना कुछ आपको कूपन कोड मिल जाएगा, इसको आप 1100 रुपए के आसपास परचेज कर सकते हैं। और इसमें आपको मिलने वाला है डुअल डिवाइस पेयरिंग, एक टाइम पे आप दो फोन से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में आपको बीच मोड मिल जाएगा, गेमिंग मोड, 40 मिलीसेकंड लेटेंसी क्लेम की है। बाकी हमेशा की तरह बॉक्स के अंदर कंटेंट क्या है, इसकी बिल्ड कैसी है, आउटपुट कितना जस्टिफाई करता है, अगर आप एक बोट ब्रांड की तरफ से नेकबैंड कंसीडर करने का सोच रहे हैं 1200 रुपए के आसपास, एंड तक पहुंचते आप डिसाइड कर ही लेंगे कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कर लेते हैं शुरुआत सबसे पहले अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहां पर आपको बोट रॉकर्स 110 नेकबैंड का ऐसे बिल्कुल आपको डिसेंट सा बॉक्स मिलने वाला है ब्रांड की तरफ से। बैक साइड में काफी फीचर्स मेंशन है, सब आगे डिटेलिंग में चेक किए जाएंगे। क्विकली करते हैं अनबॉक्स। सबसे पहले आपको हमेशा की तरह वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल, बोर्ड का ब्राउचर मिल जाएगा, चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। एक छोटी सी लेंथ की आपको टाइप सी केबल मिलेगी, टू चार्जर, नेकबैंड, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स के साथ कलरफुल, अपने कानों के साइज के हिसाब से यूटिलाइज कर पाएंगे। साथ ही में आपको एक आईएमए बोर्ड का स्टिकर मिल जाएगा, इधर उधर कहीं ना कहीं चिपका लीजिएगा। और मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द नेकबैंड यू विल बी गेटिंग। पूरा यहाँ पे आपको लाइट वेट आप बोल सकते हैं प्लास्टिक बिल्ड का आपको नेकबैंड मिलने वाला है। इसकी जो क्वालिटी उसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, आराम से वैसे आप फ्लेक्सिबल तरीके से यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इस साइड पे आपको सिंपली यहाँ पे बोर्ड की ब्रांडिंग मिल जाएगी, ऐसा कोई बटन प्रोवाइड नहीं किया गया है। और जो प्लास्टिक क्वालिटी यहाँ पे आपको डिसेंट मिलेगी, नहीं बहुत ज्यादा प्रीमियम, नहीं खराब, डिसेंट यहाँ पे आपको प्लास्टिक बिल बोल सकते हैं आपको मिल जाएगी। और दूसरे साइड आपको सारे के सारे मल्टीफंक्शन बटन्स मिलने वाले हैं, कैसे वर्क करते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आपको एक प्रॉपर कवरिंग के साथ टाइप सी का पोर्ट मिलने वाला है, यहाँ से आप नेकबैंड को चार्ज कर सकते हैं। और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको ब्रेडेड केबल मिल जाएगी, ये एक प्लस पॉइंट है। केबल की क्वालिटी को लेकर मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लग रही है। और यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं बड्स, बड्स आपको पूरे यहाँ पे मेटालिक बिल्ड के मिलने वाले हैं, ये एक प्लस पॉइंट है। छोटे छोटे साइज के आपको बड्स मिलने वाले हैं, और इसमें आपको दोनों में ही बोट का लोगो लगा हुआ मिल जाएगा। और ऐसे इसमें आपको कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है, मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर नहीं दिया गया है, सिंपली आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स मिलने वाले हैं ताकि आपके नेक पे सिक्योर तरीके से इसको आप प्लेस कर पाएं। और फिटिंग की बात करेंगे, फिटिंग को लेकर दिक्कत नहीं आने वाली है, लाइट वेट नेकबैंड है अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लेस करेंगे। इसमें कोई एक्स्ट्रा ईयरफिन्स तो नहीं दिए गए हैं, सिंपली अगर आप प्रॉपर ईयरकप्स लगाएंगे अपने कानों के साइज के हिसाब से फिटिंग आपको बढ़िया मिलने वाली है। आप बोल सकते हैं 80% तक बाहर की नॉइज कैंसिल कर देगा नेकबैंड लगाते से ही। और मैंने काफी कोशिश की हुई, अगर आप यहाँ पे जॉगिंग करते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, प्रॉपर ईयरकप्स लगाएंगे कानों से बिल्कुल नहीं गिरते हैं, नेकबैंड सिक्योर आपको फिट मिल जाएगा। साथ ही में इसका डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट मिलने वाला है, एक टाइम पे आप दो फोन से कनेक्ट कर सकते हैं, ये एक प्लस पॉइंट है। एक नजर डालते हैं इनके फीचर्स पार्ट को लेकर। तो इसमें आपको मिलेगा ब्लूटूथ वर्जन 5.3, IPX5 वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट फीचर, 10 mm डायनेमिक ड्राइवर्स, SBC AAC कोडेक का सपोर्ट, डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन, ENX टेक्नोलॉजी फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस, बीस्ट मोड मिल जाएगा, गेमिंग मोड, 40 मिलीसेकंड लेटेंसी क्लेम की है। अप्रॉक्सीमेटली आपको यहाँ पे 40 hours तक का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, 10 मिनट आप नेकबैंड को चार्ज करेंगे लगभग आपको 10 घंटे का प्ले टाइम मिल सकता है विद दिस नेकबैंड। फीचर्स आपको इंप्रेसिव मिलने वाले, इसको लेकर दिक्कत नहीं लगी। और जो बटन्स दिए गए हैं उनका हिसाब किताब ऐसा है, जो बीच वाला बटन है इसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे म्यूजिक प्ले होगा, फिर से सिंगल प्रेस करेंगे म्यूजिक पॉज होगा। प्लस को सिंगल प्रेस करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगी, माइनस को सिंगल प्रेस करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगी। प्लस को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे ये नेक्स्ट ट्रैक पे लेके जाएगा, माइनस को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे ये प्रीवियस ट्रैक पे लेके जाएगा। जो बीच वाला बटन है इसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे 2-3 seconds के लिए, जो वॉइस असिस्टेंट फीचर है एक्टिवेट हो जाएगा, आप कमांड देकर यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसी वाले बटन को अगर आप डबल प्रेस करेंगे जो लास्ट नंबर है वो रीडायल हो जाएगा। किसी का कॉल आ रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, बीच वाले बटन को सिंगल प्रेस करेंगे कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा। चलती हुई कॉल को रिजेक्ट करने के लिए बीच वाले बटन को सिंगल प्रेस कर देंगे कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। इनकमिंग कॉल को डायरेक्टली रिजेक्ट करने के लिए बीच वाले बटन को अगर आप डबल प्रेस करेंगे तो कॉल डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो गेमिंग मोड जाएगा है बीस्ट मोड, इसी बटन को अगर आप ट्रिपल प्रेस करेंगे बीस्ट मोड में एंटर कर जाएगा, आपको कानों में प्रॉमिस सुनाई देगा बीस्ट मोड करके। इसे ट्रिपल प्रेस करेंगे इस बटन को तो ये गेमिंग मोड से एग्जिट करके म्यूजिक मोड में आ जाएगा। लगे आप एक गेमिंग का टेस्ट भी देख लीजिए आप इसके थ्रू। गेमिंग आपको काफी इंप्रेसिव मिलने वाली, जो 40 मिलीसेकंड लेटेंसी क्लेम की है बिल्कुल जस्टिफाई करती है। जो स्टीरियो सेपरेशन है, लाउडनेस है गेमिंग के टाइम पे, इसको आप डेफिनेटली बढ़िया गेमिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं, उसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। बात करेंगे आप साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की, 10 mm डायनेमिक ड्राइवर्स है, SBC AC कोडेक का सपोर्ट दिया गया है, लाउडनेस आपको बढ़िया मिलने वाली है।
और जो मेनली अगर आप है मेनली बेस सेंट्रिक, आपको बेस से मतलब है, इसमें आपको सराउंडिंग पावरफुल बेस मिलने वाले, आपको ऐसा लगेगा कभी कभी कानों से बड्स उचक रहे हैं वैसे आपको फीलिंग मिल जाएगी बेस पार्ट को लेके। वोकल्स आपको सही मिलेंगे, ट्रेबल्स भी आपको सही मिलने वाले, लेकिन बेस ज्यादा दिया गया है तो इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन है वो ज्यादा बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा परफेक्शन नहीं दी गई इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन पार्ट को लेके, क्योंकि आपको बेस ज्यादा मिलने वाला है। मेनली आप बेस लवर, आपको बिल्कुल सराउंडिंग पावरफुल बूस्टेड बेस चाहिए, उस पर्पज की इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वोकल्स और ट्रेबल्स को लेकर दिक्कत नहीं लगी। बात करेंगे कॉलिंग की, इसमें आपको ENX टेक्नोलॉजी दी गई है, एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन फीचर। इसकी कॉलिंग कितनी बढ़िया है आप खुद ही देख लीजिए, हमारा HDRS हैवी दीक्षा रिव्यू सिस्टम। हेलो। हाँ दीक्षा, क्या कर रही हो? बस जलेली, घर के काम खत्म कर रही हूँ, वर्ल्ड कप देखने। वर्ल्ड कप की तैयारी? बहुत बढ़िया यार, चलो बहुत बढ़िया, मैं भी बस शूट निपटा के आता हूँ फटाफट। हाँ। अभी नहीं, यहाँ पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, क्या बोलते हैं, बोट रॉकर्स 110, इनके एक नेकबैंड लॉन्च हुए हैं तो मैंने परचेज किए हुए हैं, तो उसका कॉलिंग टेस्ट कर रहा हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे ऐसे पार्क साइड कंडीशन में हूँ, नॉर्मल कंडीशन में। तो मेरी आवाज तुम्हें कैसी आ रही है? आवाज तो अच्छे समझ में आ रही है, वोकल्स क्लियर है, लाउडनेस भी अच्छी है। ओके, आवाज पे अच्छा खासा फोकस है। तो कितना परसेंटेज मेरी आवाज से फोकस बोल सकती हो अभी? अभी तो 85% तक फोकस है। अच्छे से फोकस है? हाँ। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पे ट्रैफिक कंडीशन में जाऊंगा, बताना कैसी कॉलिंग है। ओके। हाँ आदित्य। हाँ, अभी मैं तुमसे ना सेम नेकबैंड से बातचीत कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा मैं रोड साइड कंडीशन में आ गया हूँ, आउटर कंडीशन में, थोड़ा यहाँ पे हाईवे रोड है, रोड के बीचों बीच खड़ा हूँ, दोनों साइड से गाड़ियाँ जा रही हैं, तो मेरी आवाज तो मैं कंपैरेटिवली कैसे आ रही है आउटर कंडीशन के हिसाब से, ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से? आवाज तो अच्छे से भी फोकस्ड है, ट्रैफिक की आवाज समझ में आ रही है गाड़ी के आने जाने की, लेकिन तुम्हारी आवाज अच्छे से फोकस तो कितना, तो अब आउटर कंडीशन के हिसाब से मेरी आवाज पे कितना परसेंटेज फोकस बोल सकती हो? 75-80% अभी भी फोकस्ड है अच्छे से। ऐसा होता है? हां ठीक है दीक्षा, थैंक यू। ओके हां बाय। कॉलिंग इसमें आपको काफी इंप्रेसिव मिलने वाली है, इंडोर कंडीशन में आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आउटर कंडीशन में और ट्रैफिक कंडीशन में भी आपके आवाज से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फोकस रहेगा, थोड़ी बहुत एक्टिविटी स्केच कर लेगा बैकग्राउंड की, लेकिन कॉलिंग इसमें आपको काफी बढ़िया मिलने वाली है इंडोर आउटर कंडीशन दोनों में ही। अब करते हैं हम रेटिंग, साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, गेमिंग एक्सपीरियंस को आउट ऑफ 10। तो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 8/10, मैं बेस क्वालिटी दूंगा 9/10, मैं कॉल क्वालिटी दूंगा 8.5/10 और मैं गेमिंग एक्सपीरियंस को दूंगा 9.5/10। दीस आर द रेटिंग्स ऑन टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस नेकबैंड अप्रॉक्सिमेटली 1100-1200 रुपए के आसपास। और अगर आपको ये ऑफर्स या डील्स या कूपन कोड लगा के ऑफिशियल वेबसाइट से कहीं पर भी 1000-1200 रुपए के बीच में मिलते हैं उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से जस्टिफाई करते हैं, उससे ऊपर प्राइसिंग मिले थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्स्ट्रा प्राइस बोल सकते हैं, लेकिन 1200 रुपए के आसपास मिलते हैं, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। मेनली आप बेस सेंट्रिक, आपको बेस से मतलब है, गेमिंग से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कॉलिंग आपको चाहिए, डुअल डिवाइस पेयरिंग चाहिए, अच्छी खासी आपको डिसेंट बैटरी लाइफ मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से थम्स अप है, इसकी बिल्ड भी आपको काफी इंप्रेसिव मिलने वाली, इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, मैंने बेस्ट पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आया तो चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। आपको अभी भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज, रेटिंग्स, कॉलिंग टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च बोट रॉकर्स 110 नेकबैंड। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।